नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। RRB ALP और टेक्नीशियन का जिनका भी पेपर है CBT 2 का, उसमें एक आपका जो सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे। तो वो आज हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में मैं आज आपको सारी चीज़ें विथ इमेज में आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। मैं गारंटी कहता हूँ आप 10 मिनट इस वीडियो को देख लो, उसके बाद आपको जो मैं 3 टॉपिक आज कवर किया हूँ, पहला तो टॉपिक आपका जो है ड्राइंग बोर्ड, सेकेंड टॉपिक जो है टी स्क्वायर, और थर्ड टॉपिक जो है आपका सेट स्क्वायर। जिन्होंने कभी भी अगर ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं की है, ITI, डिप्लोमा, BTech में, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। और जिनका जो पेपर है बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो भी बनाया है और नोट्स को भी तैयार किया है, तो और बिल्कुल इमेज के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। आपका रिस्पांस भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, अगर अच्छा रहा तो मैं एक लंबी वीडियो 35 या 40 मिनट की बना करके मैं पूरी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ये पहला टॉपिक को ही कवर कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पहला सेक्शन जो होगा हमारा ड्राइंग बोर्ड का। ये जो है हमारा ड्राइंग बोर्ड है, तो ड्राइंग बोर्ड में कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, उस नाम को आपको पहले समझना होगा, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं वहाँ पे अगर बोलता हूँ बैटन क्या है, इबोनी क्या है, तो आपको उस पता होना चाहिए कि हम कौन से पार्ट के बारे में बात कर रही हैं। तो ये देखो, ये जो आपका जो ड्राइंग बोर्ड है, इस पार्ट को जो ये चौड़ाई आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है साइड वाला पार्ट, चौड़ाई जो है इसे हम क्या कहते हैं, एबोनी कहते हैं, EBONY, एबोनी कहते हैं। नीचे जो दो लकड़ी, यानी इसे हम कहते हैं पट्टी, इस पट्टी को ही हम क्या कहते हैं, बैटन, BATTEN, बैटन। इसे और क्लियरली अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा साफ साफ, देखो यहाँ पे दो बैटन नज़र आ रही होंगे, ये दो बैटन है, ठीक है। ये क्या करें, बोर्ड के नीचे लगे होते हैं, ठीक है। ये देखिए बोर्ड है, ये पूरा आपका बोर्ड है, बोर्ड के नीचे क्या हुआ, दो बैटन लगा हुआ था, इसे हम क्या कहते हैं, बैटन, BATTEN, बैटन। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपका कि बैटन का क्या कार्य है, या फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि बोर्ड को सपोर्ट कौन करता है, तो बैटन ही करता है। तो बैटन का काम क्या है, बोर्ड को सपोर्ट करना, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गया आपका। दूसरा चीज़ देखो, आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिख रही होंगी, ये क्या है आपका जो है, इसे हम कहते हैं एडजस्टेबल स्टैंड। अब इसका नाम है एडजस्टेबल, इसलिए दिया जाता है, क्या क्या आप इसको क्या करते हैं, एडजस्ट कर सकते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग। कोई व्यक्ति अगर पर्सन बहुत अधिक लंबा है तो उसे यहाँ पे देखो, एक जो है एक यहाँ पे आपका पिन टाइप का है, जो भी आप मान लो, ठीक है, इसके लॉक है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, मूव करके इसके हाइट को ऊपर भी कर सकते हो, हाइट को नीचे भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर हाइट, ठीक है, जिसे आप इजिली ड्राइंग कर सको। नेक्स्ट चीज़ जो होता है क्या है कि ड्राइंग बोर्ड को कभी भी हमेशा इक्वल, या फिर बात कर ले 0 डिग्री पे नहीं रखा जाता, इसको 20 डिग्री पे इसको झुका करके रखा जाता है ड्राइंग बोर्ड को, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, ये जो होता है इतना 20 डिग्री पे क्या होता है, झुका हुआ होता है बोर्ड। तो ये जो था आपका पूरा ड्राइंग बोर्ड के बारे जितना भी डिश अगर बात कर ले, जो चीज़ें मुझे बतानी थी, पहला पार्ट हो गया आपका ये इबोनी, जिसे आबनूस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखना, आबनूस भी हम कहते हैं इबोनी को। एक DMRC एग्जामिनेशन में पूछा गया था इबोनी को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो आबनूस नाम से भी जाना जाता है। नीचे दो पट्टी होती है जो बोर्ड को सपोर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, बैटन कहते हैं। ये आपका हो गया वर्किंग प्लेस, जहाँ पे आप चार्ट पेपर को लगा कर आप ड्राइंग करोगे। दूसरा चीज़ क्या है कि ड्राइंग बोर्ड कभी भी ऐसे बिल्कुल 0 डिग्री इस तरह से नहीं होता है, इसे क्या, ये क्या होता है, थोड़ा सा आपका झुकी हुई होती है, जैसे आप यहाँ दिख रहे होगी झुकी हुई, ये कुछ ज़्यादा ही झुका हुआ, पर कितना होता है, 20 डिग्री होता है, याद रखना 20 डिग्री। अभी आगे मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। ये जो होता है आपका स्टैंड है, ये क्या, कौन सा स्टैंड, इसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टेबल स्टैंड, ठीक है। अब हम लोग नोट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, सारे पार्ट्स तो हमने देख लिए ड्राइंग बोर्ड के, अब हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, अब बिल्कुल आराम से एकदम एग्जामिनेशन अगर बात कर ली, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स तैयार किए हैं, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा इस 3 टॉपिक से आपका। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि ड्राइंग बोर्ड जो बना होता है उस लकड़ी का क्या, उस लकड़ी का नाम क्या है, या फिर उस लकड़ी को क्या कहते हैं, तो मोनोसाइट या फिर मेसोनाइट भी कहते हैं। तो मोनोसाइट या फिर मेसोनाइट लकड़ी का बना होता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट है आपका। और इसके बाद लिखा हुआ, यह सफ़ेद पाइन फर या ओक की पट्टी की लकड़ी की बनी होती है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में, कई बार पूछा गया, DMRC सेल का पेपर उठा लो, RRB अहमदाबाद में भी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि ड्राइंग बोर्ड जो बनी होती है वो कौन सी लकड़ी की बनी होती है, मोनोसाइट या फिर उसे हम क्या कहते हैं, मेसोनाइट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड की, जो अगर उसकी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, देखो BIS अगर बात कर लेते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड को एक मेजरमेंट दिया जाता है। देखो BIS के अकॉर्डिंग, इसका फुल फॉर्म याद रखना, BIS,
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इस इन्होंने क्या है कि देखो, अब आप क्या है कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी बोर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हो, कोई भी उसका लेंथ ब्रेथ हाइट लेकर के यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक आपको एक BIS के अकॉर्डिंग आपको जो होता है ये कुछ रूल्स फॉलो करनी होती है कि इतना लेंथ होना चाहिए, इतना ब्रेथ होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए बोर्ड का, जो ड्राइंग बोर्ड अभी मैंने आपको दिखाया उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे लिए एग्जामिनेशन में ये चार इम्पॉर्टेंट है। D0 ड्राइंग, D से आपका डोनेट किया जा रहा है ड्राइंग बोर्ड को, ठीक है। तो D0 हो गया, या फिर D नोट भी बोल सकते हो, D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया। एग्जामिनेशन में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सुनना, ठीक है। पहले समझ लो, पहले ड्राइंग बोर्ड की देखो, सबसे पहले इसका मेजरमेंट को देख लो। D0 जो होता है ये आपका हो गया लेंथ, हो गया ये, हो गया ब्रेथ, हो गया हाइट। देखो L यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया B से ब्रेथ, H से हो गया हाइट, ठीक है। तो D0 की अगर आपसे बात कर ली जाए कि लेंथ कितनी होती है, ठीक है, लेंथ जो होती है 1500 mm होती है। अब जो भी साइज़ है, देखो यहाँ मैंने mm कर दिया है, जितना भी अगर कहीं भी आपको अगर आपको यूनिट नहीं दिखता हो तो आप मान के चलना mm है, ठीक है, मिलीमीटर। तो जो D0 का जो मेज़रमेंट है वो कितना है, 1500 × 25, मतलब कि 1500 × 1000 × 25। इट मीन्स ये लेंथ कितना होता है, 1500 होता है, ब्रेथ कितना हो गया 1000, और हाइट कितनी हो गई 25, ठीक है। नेक्स्ट D1 की बात कर लूँ तो 1000 हो गया, 725। D2 की कितनी होती है, 700, 515, और D3 की कितनी होती है, 500, 350 × 15, ठीक है। अब ये चीज़ जो है आपको याद करनी पड़ेगी, और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और क्या पूछा गया है। पूछा जाएगा सबसे बड़ी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई कितनी होती है, तो 1500 होती है सबसे, आप देख भी रहोगे अभी तक सबसे अधिक लंबाई किसकी दिख रही होगी, तो D0 की दिख रही होगी। तो पूछा जाएगा ऐसे कि सबसे अधिक लंबाई जो बोर्ड की होती है वो कितनी होती है, 1500 होती है। सबसे कम लंबाई कितनी होती है, तो 500 होती है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया छोटा और ये बड़ा। सबसे अधिक चौड़ाई किसकी कितनी होती है, तो 1000 होती है। सबसे कम कितनी होती है, 350। और हाइट अगर पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 25 सबसे अधिक, और सबसे कम पूछा जाए तो कितना होता है, 15 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है तो इस तरह से पूछेगा कि सबसे अधिक कौन सी ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग में लाया जाता है, तो देखो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है कौन सी बोर्ड, तो D2 बोर्ड। तो याद रखना D2 से डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या तो उसका लेंथ पूछ लिया जाएगा, या ब्रेथ पूछ लिया जाएगा, या फिर हाइट कुछ भी पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा कौन सी बोर्ड की सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो D2 बोर्ड की। मतलब इसकी जो मेज़रमेंट होती है, इस मेज़रमेंट की काफ़ी अधिक जगह यूज़ भी की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना ये चीज़ आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, उसको मैंने यहाँ मेंशन किया है। इसकी अधिकतम लंबाई, ड्राइंग बोर्ड की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, तो 1500 mm, ठीक है, मैंने अभी यहाँ बताया था आपको, देख रहे होगे जैसे 1500 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यूनतम लंबाई ड्राइंग बोर्ड की कितनी होती है, तो 500 mm, ठीक है। देखो यहाँ पे भी है 500 mm। अधिकतम चौड़ाई की अगर बात कर ले ड्राइंग बोर्ड की कितनी हो सकती है, देखो 500 mm थे ना सबसे लंबाई कम न्यूनतम। अधिकतम अगर चौड़ाई की यानी ब्रेथ की अगर बात कर ले तो 1000, ठीक है, 1000। सबसे कम कितना है, तो 350, 350। और अधिकतम मोटाई कितनी है, तो 25 mm, 25 mm। और सबसे कम मोटाई कितनी है, तो 15 mm, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 15 mm, ठीक। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के किसी भी एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया, तो सेल की बात कर ले, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहाँ पे भी ITI लेवल का पेपर हुआ था, DMRC, और रेलवे के भी जितने पेपर हो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखो एबोनी की मोटाई आपसे पूछा जाएगा, तो कितना होता है, 4 से 5 mm। मैंने आपको बताया था एबोनी कौन सा होता है, आप एक बार फिर से इमेज देख लो, एबोनी इस पार्ट को कहते हैं, ठीक है। ये जो चौड़ाई होता है एबोनी का, इस कितना होता है, 4 से 5 mm होता है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग सब कुछ। एबोनी को और क्या नाम से जानते हैं, तो आबनूस नाम से भी जाना जाता है, याद रखना आबनूस के नाम से भी हम लोग जानते हैं एबोनी को। बोर्ड की मोटाई कितनी होती है, तो 15 से 25 mm जो होती है बोर्ड की मोटाई होती है, ठीक है। ये जो बोर्ड की मोटाई होती है ना, ये जो ये मोटाई जो है वो कितना है, 15 से 20 mm है। ये भी क्वेश्चन, सॉरी 15 से 25 mm है, 15 से 25 mm है। इसका PDF आप डाउनलोड कर लेना, मेरे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ, फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ, तो टेंशन नहीं लेना, थोड़े देर में आपको PDF वहाँ अपलोड हो जाएगा। आपसे इस तरह से पूछा गया कि ड्राइंग बोर्ड का जो शेप होता है या आकार होता है वो कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, आयताकार होता है, षष्ठभुज होता है, तो ऑप्शन में इस तरह से रहेगा, तो आप देखे होंगे कि किस तरह शेप का है, वो आयताकार है। बिल्कुल विजुलाइज करो, आप ड्राइंग बोर्ड को बिल्कुल विजुलाइज करो, जो मैंने इमेज दिखाई थी। अब मैंने आपको बताया था बोर्ड को क्या किया जाता है, कितने एंगल पे झुका कर रखा जाता है एडजस्टेबल स्टैंड पे, तो 20 डिग्री एंगल पे क्या किया जाता है, झुका करके रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है क्या, देखो इस चीज़ को समझना, इस एबोनी में, एबोनी पे
टी स्क्वायर को ऊपर नीचे चलाते हुए एबोनी ड्राइंग सीट पर क्षैतिज समांतर लाइनें खींची जाती है। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी, इसको जब मैं टी स्क्वायर अभी पढ़ाऊंगा उसमें चीज़ों को आपको समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका बैटन, बैटन पट्टी को सपोर्ट देने के उद्देश्य से लगाया जाता है। नीचे जो मैंने आपको दिखाया था बैटन, जिसको हम क्या कहते हैं पट्टी भी कहते हैं, इसका काम क्या होता है, सपोर्ट देता है किसे, बोर्ड को। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, आराम से चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये जो है हमारा टी स्क्वायर, इससे अच्छे से समझना। ठीक है, देखो ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइनिंग क्या हुआ रहता है, मतलब मार्किंग क्या हुआ रहता है। ठीक है, इसमें जो होता है इस तरह से मार्किंग क्या हुआ रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। इसके थ्रू ही आप क्या कहते हैं, लाइन खींचते हो। तो सारी चीज़ें मैं अभी समझाऊंगा, पहले नाम समझो, इसे क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है स्केलिंग की हुई रहती है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से स्केलिंग की हुई रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लेड, सॉरी, ये जो हेड होता है ना, ये हेड जो होता है इसे कहाँ पर बोर्ड में रखा जाता है, तो आपको जो मैंने आपको एक चीज़ बताया था एबोनी, ठीक है, EBONY एबोनी, वहाँ पे इसे रखा जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में जब देख रहे होंगे, यहाँ पे जो इस पार्ट एबोनी है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके हेड को रखा जाता है। ठीक है, और इस तरह से रख करके काम करते हैं ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग को। यहाँ पे क्या की हुई रहती है, ब्लेड होती है, इस पार्ट को में क्या होता है, स्केलिंग की हुआ रह किया हुआ रहता है। इसके थ्रू क्या कर सकते हो, अब आप देखो फिगर को, टी स्क्वायर फिगर को अगर आप देख रहे हो, तो इससे आप कौन सी लाइन खींच सकते हो, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। तो इमेज को बैठा लो, इससे आप क्या कर सकते हो, हॉरिजेंटल लाइन को क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। अच्छा ये बताइए, इसे आप क्या वर्टिकल लाइन को खींच सकते हो, ऐसे नहीं खींच सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं सर जी, मैं क्या करूँगा, इस ये जो है ब्लेड को ऐसे घुमा दूंगा, है ना, इस तरह से आप कर दोगे, तो ऐसे नहीं कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपका हेड पार्ट जो होता है इसे क्या किया जाता है, यहाँ पे फिक्स किया जाता है। देखो ये जो एबोनी पार्ट जो होता है ना, यहाँ पे फिक्स करते हैं। ठीक है, इस एबोनी पार्ट में, जिसे मैं क्या बताया था एबोनी, यहाँ पे क्या करते हैं, इस हेड को फिक्स कर दिया जाता है, और इस तरह से इसका ब्लेड यहाँ पे रखते हैं, और इस तरह से हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन खींचना था, तो आप यहाँ पे एबोनी को इस तरह से यहाँ आगे थोड़ा सा ऊपर मूव कर दिए यहाँ से, अगर नीचे करना था तो आप नीचे मूव कर दिए एबोनी के सहायता से, यहाँ पे उसके हेड को, और यहाँ से फिर हॉरिजेंटल लाइन खींच दिए उसके ब्लेड के हेल्प से। ठीक है, चीज़ को समझ रहे हो ना आप, तो इससे केवल हम क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन को खींच सकते हैं। ठीक है, अब और देख लेते हैं इसके बारे, आप आई थिंक फिगर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे यहाँ मैंने अपने हाथों से जो बनाया, तो आप एक बार इसे भी देख लो। ठीक है, टी स्क्वायर, तो ये जो आपको होता है, ये जो पार्ट को मैंने क्या बताया, हेड जो कहाँ पर इसे एडजस्ट किया जाता है, तो याद रखना एबोनी में, और उसमें क्या किया जाता है, एबोनी के ऊपर ही उसे क्या किया जाता है, स्लाइड किया जाता है। ठीक है, स्लाइड करके अगर आपको ऊपर लाइन खींचनी होती है, तो स्लाइड करके ऊपर ले जाओ, और फिर हॉरिजेंटल लाइन, किस तरह की लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखाएँ, ये होती है आपको स्केल, जिस तरह देख रहे हो कि आपके यहाँ पे स्केलिंग की हुई है। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर इस तरह से पूछा जाएगा, फिगर में देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। यहाँ आप जैसे देख रहे होगे कि ये जो आपका हेड है और ये जो आपका ब्लेड है, तो इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा, तो 90 डिग्री का एंगल। तो पूछता है इस तरह से कि ब्लेड और हेड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनती है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये जो हो गया ब्लेड हो गया, ये चीज़ आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लेड है आपका, ये हेड हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये जो कौन सी लकड़ी के, ये जो स्केल होता है कौन सी लकड़ी के, तो एबोनाइटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप स्किप कर दो, बस जितना अभी तक मैंने बताया वो। और यहाँ जो जैसे मैंने लिखा है कि ये जो हेड जो पार्ट होता है एबोनी में फिट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको दिखा भी दिया है। अब इसके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से इसको ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसकी जो लंबाई होती है, मैंने अभी आपको क्या दिखाया, उसके हेड पार्ट को दिखाया और उसके स्केल पार्ट, सॉरी उसके ब्लेड के पार्ट को दिखाया। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है ड्राइंग बोर्ड के बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है ना, देखो इसकी कितनी लंबाई होगी, जितनी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होती है, मतलब इतना लंबा होता है जितना ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि अब स्केल इसके बाहर तो नहीं आना चाहिए ना, बिल्कुल इसकी जितनी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होती उतनी ही आती है। मतलब अगर आप अगर थोड़ा सा सोचो तो कितना जो इम्पॉर्टेंट जो उसकी लेंथ मापी जाती है टी स्क्वायर की, क्या क्या मापा जाता है, तो उसकी ब्लेड की लंबाई जितनी कितनी होती है, तो बिल्कुल ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है। ठीक है, ये जो बोर्ड, ये जो लंबाई है ब्लेड की, ये कितना लंबा होगा, जितना आपका बोर्ड की लंबाई होगा। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरह से देखो चीज़ों को समझो। यहाँ पे ये क्या हो गया, आप बोर्ड को यहाँ पे ला करके रख, बोर्ड के ऊपर बोर्ड था, इसके यहाँ पे ये एबोनी था, यहाँ पे आप क्या किए, इसके हेड को रख दिए, और यहाँ पे ब्लेड है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, हॉरिजेंटल लाइन खींच लोगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है इस तरह से, अगर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन घुमाता है कि पूछा जाएगा कि टी स्क्वायर की लंबाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो पहला ऑप्शन दे दिया रहेगा ड्राइंग बोर्ड के ऊपर,
तीसरा कुछ भी दे दिया हो रह सकता है। तो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है, जितना अधिक लंबा होगा ड्राइंग बोर्ड उतना लंबा ही आप टी स्क्वायर को यूज़ करोगे, ठीक है। अधिक लंबा यूज़ तो नहीं कर सकते, अदरवाइज ये बाहर आ जाएगी तो आपको ड्राइंग करने में दिक्कत होगा। छोटा भी आप यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप इतना छोटा ही यूज़ कर लिए तो आपको इतना लंबा लाइन खींचना हो तो फिर आप कैसे खींचोगे, नहीं खींच सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप एबोनी की सहायता से इसको मूव करके यहाँ पे भी लाइन खींच सकते हो, नीचे ऊपर कहीं भी ले जा सकते हो। तो इस एबोनी में क्या होता है, आपका हेड जो टी स्क्वायर का होता है वो फिट हो जाता है। आई होप चीज़ को आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, तो ये हो गया पहला पार्ट कि इसकी लंबाई जो होती है ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है। इससे क्या होती है, कौन सी रेखा आप खींच सकते हो, तो हॉरिजेंटल लाइन आप क्या कर सकते हो, इसे खींची जा सकती है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन देख रहे होंगे, स्केल से आप क्या कर सकते हो, हॉरिजेंटल लाइन खींच सकती है। इसकी अधिकतम लंबाई देखो, इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम लंबाई कितना होता है, बस आपको ये याद रखना, टी नोट से ये डिनोट किया जा रहा है टी स्क्वायर को, T1, T2, T3। तो क्वेश्चन बस दो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जाए कि मैक्सिमम लंबाई, मैक्सिमम लेंथ या अधिकतम लंबाई कितनी होती है टी स्क्वायर की, तो 1500 mm होती है, और सबसे न्यूनतम लंबाई या फिर मिनिमम लेंथ कितनी होती है 500 mm। 500 mm कम से कम होना ही चाहिए, और सबसे अधिक कितना होगा तो 1500 mm, ठीक है। कौन सी लकड़ी की बनी होती है, तो सागवान लकड़ी की बनी होती है। हॉरिजेंटल लाइन हम लोग इसे खींच सकते हैं। नेक्स्ट, दोनों भुजा जो ब्लेड और हेड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनती है, तो 90 डिग्री की एंगल बनती है। टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड में फिट हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दिया है। और टी स्क्वायर की नियमित यानी कि बात कर ले वो कितनी, इसकी लंबाई कैसा, बिल्कुल ब्लेड की लंबाई जितनी होती है वही आपका टी स्क्वायर का भी लंबाई माना जाता है। जितना ब्लेड की लंबाई होती है उतना ही टी स्क्वायर की लंबाई होती है, क्योंकि उसका जो हेड पार्ट होता है वो एबोनी में फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका टी स्क्वायर और आपका ड्राइंग बोर्ड। इससे बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा जितना मैंने बताया, और कोई चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर आपका इमेज अगर क्लियर है, तो जो चीज़ें मैंने इमेज में समझाई है। सेट स्क्वायर की बात कर ले, सेट स्क्वायर को भी इमेज से समझते हैं बिल्कुल। तो ये जो होता है, एक देखिए दो तरह के सेट स्क्वायर होती है, एक तो होता है आपका 60-30 और एक जो होता है आपका 45-45, ठीक है। ये आपका फिगर है, यहाँ पर फिगर देखो, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो दो आपके सेट स्क्वायर होते हैं, एक तो आप ये देखो ये कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जो हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया 30। तो इसे हम क्या कहते हैं, 60-30 का, ठीक है। ये होता है 60-30 सेट स्क्वायर, और ये जो होता है आपका देखो 45 का, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है कितना, 45, और ये कितना बन रहा है, 45, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, 45-45 सेट स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया ये, 45-45, और ये कितना हो गया, 60-30। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सेट स्क्वायर के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 30, और ये कितना है 90। तो टोटल अगर ऐड करते हो तीनों को तो कितना होता है, 180, ठीक है। आप इस आपको आपको ये पूछा जाएगा कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार आपको कैसा लग रहा है, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो 15 के गुणज होते हैं। तो आप देख रहे हो, इसको मैंने क्या बोला, 60-30 बोला, और इसको क्या मैंने बोला, 45-45, ठीक है, क्योंकि 45-55 डिग्री का है ये। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 15 के गुणज होते हैं। तो देखो ये 15 के गुणज है या नहीं, 15 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, तो सेट स्क्वायर ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 15 के गुणज होते हैं, ठीक है। और डिटेल में चीज़ों को समझते हैं, देखो सेट स्क्वायर यहाँ से स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार, आयताकार, षष्ठभुज या फिर कोई भी एंगल, तो आकार, तो उसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। जब अधिक गर्मी होती है तो ये इसकी जो शेप क्या होता है, टेढ़ी हो जाती है, और एंगल पर भी इफेक्ट पड़ता है। बस ये चीज़ें समझने के लिए आप ही सोचो, ये क्या चीज़ की बनी हुई, प्लास्टिक की बनी हुई होती है, ठीक है, प्लास्टिक या स्टील। तो अधिक गर्मी जब पड़ती है तो ये क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। अगर ये टेढ़ी हो जाएगी तो इसके एंगल में भी इफेक्ट पड़ेगा ना, तो वो चीज़ें आपको सही से यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक। दूसरा मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, 15 के गुणज में कौन बनाता है, तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 15 के गुणज में कौन बनाता है, तो सेट स्क्वायर। देख रहे होंगे 15 से ये भी है मल्टीपल, ये भी है, ये भी है, ये भी 15 का मल्टीपल, ये भी 15 का मल्टीपल, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, सेट स्क्वायर ही है। नेक्स्ट, सेट स्क्वायर का उपयोग टी स्क्वायर के साथ ड्राइंग बोर्ड में वर्टिकल उद्वार्त मतलब कि वर्टिकल लाइन खींचने के लिए करते हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोग समझेंगे अच्छे से। पहले एक चीज़ और देख लो, 60-30 डिग्री कोण का जो सेट स्क्वायर है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और 45-45 डिग्री कोण का जो सेट स्क्वायर की लंबाई मैक्सिमम कितनी होती है, तो 20 सेंटीमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब इस लाइन को समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सेट स्क्वायर का उपयोग, ठीक है, जो सेट स्क्वायर है 60-30 और 45-45, इसका जो उपयोग किया जाता है टी स्क्वायर के साथ ड्राइंग बोर्ड में वर्टिकल लाइन खींचने के लिए करते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में। पहला तो टी स्क्वायर का आप समझ गया कि किस लिए यूज़ किया जाता है, हॉरिजेंटल लाइन के लिए, हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो सेट स्क्वायर का जो यूज़ किया जाता है किस लिए किया जाता है, समझना अच्छे से।
ये जो है आपका टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर को आपने क्या किया, टी स्क्वायर को आपने क्या किया है, इसे ड्राइंग बोर्ड में आपने इसे फिट कर दिया है एबोनी के हेल्प से। अब इससे आप तो हॉरिजेंटल लाइन खींच दिए हैं, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए वर्टिकल लाइन खींचने के लिए, तो अब आप क्या करोगे, तो वर्टिकल लाइन तो नहीं खींच सकते हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक सेट स्क्वायर का यूज़ करोगे। अब देखो वर्टिकल लाइन खींच लोगे आराम से, यहाँ पर सेट स्क्वायर को रख करके एक सेट स्क्वायर यहाँ पर रखोगे इसके हेल्प ब्लेड के ऊपर, और इससे आप क्या करोगे, एक हॉरिजेंट वर्टिकल लाइन भी खींच लोगे और स्केल से क्या करोगे, हॉरिजेंटल लाइन खींच लोगे, तो दो काम हो गया आपका। अगर आपसे पूछता है सेट स्क्वायर से आप कौन सी लाइन खींच सकते हैं, तो वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। टी स्क्वायर से कौन सी लाइन खींच सकते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया तिरछी लाइन क्या सेट स्क्वायर से खींचा जा सकता है, बिल्कुल खींचा जा सकता है। अब देखो ये देखिए तिरछी लाइन यहाँ से खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना, बिल्कुल खींच सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस तरह सेट स्क्वायर को रखते हो, तो देखो ये तिरछी लाइन आप खींच सकते हो, वर्टिकल लाइन खींच सकते हो, और हॉरिजेंटल लाइन टी स्क्वायर के ब्लेड की हेल्प से खींच सकते हो। ठीक है, तीन चीज़ें आपको मैंने बताया, एक वर्टिकल लाइन किससे खींचोगे तो सेट स्क्वायर की हेल्प से, तिरछी लाइन किससे खींचोगे तो सेट स्क्वायर की हेल्प से, और अगर आपसे पूछ लिया अच्छा अब देखो अगर आपको एंगल पे भी अगर कोई लाइन खींचनी है, तो सेट स्क्वायर की हेल्प से खींच सकते हो बिल्कुल। ठीक है, 90 डिग्री पे भी सिंपल ये हो जाएगा, ये जो लाइन आपका होगा कितना 60 डिग्री पे खींचा हुआ जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा हॉरिजेंटल लाइन पे खींच सकते हैं किसके हेल्प से, तो टी स्क्वायर की हेल्प से। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए 60-30 का जो सेट स्क्वायर, उससे अधिक उसकी सबसे अधिकतम लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। 45-45 डिग्री कोण का जो सेट स्क्वायर का लंबाई कितना होता है, तो 20 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके मुझे बताना कि अगर वीडियो कैसा लगा है, और कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपको अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आपका रिस्पांस अगर अच्छा होता तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। ये रिस्पांस के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया था कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।